स्थिति इतनी भयावह है कि डेंगू में असमय नए लड़के बड़े ऐसे जा रहे हैं कि कोरोना महामारी की परेशानियों से आम आदमी अभी पूरी तरह से उबर भी नहीं पाया, तब तक बुखार ने तेजी से पैर फैलाकर आम आदमी की फिर से मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जनपद मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र में बरनाहाल, सलूकनगर, भदौलपुर, औछा आदि तमाम ऐसे कई ग्राम हैं जहां पर घर घर बुखार से पीड़ित रोगियों की चारपाइयां बिछी हैं। क्षेत्र में बुखार से हुई मौतों ने कई परिवार को पूरी तरह झकझोर दिया है। क्षेत्रीय विधायक सौरवंशी यादव भी बुखार पीड़ितों की बढ़ती स्थिति एवं बुखार पीड़ितों की हुई असमय मौत पर खासे आहत नजर आए। प्रशासन के स्वास्थ्य इंतजामों पर समुचित ध्यान न देने का आरोप लगाते हुए करहल विधायक सौरवंशी यादव ने कई सवाल उठाए हैं। आइए इस विषय पर करहल विधायक सौरवंशी यादव का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि डेंगू में असमय नए लड़के बड़े ऐसे जा रहे हैं कि कहीं भी एक एक दिन में 20-20 डेथ मैसेज हमारे पास आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा बमुश्किल 10 जगह जा पा रहे हैं और अब स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि अब मन नहीं करता कि हम क्या करें। बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। सरकार जो है कहीं कोई ध्यान नहीं दे रही, प्रशासन अपने आप में हमें तो लगता है कि संज्ञान ही नहीं ले रहा है। और यूपी गवर्नमेंट इस समय अगर चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, एन केन प्रकारेण वो सरकार बना ही लेना चाहते हैं लोगों को भ्रमित करके, लेकिन जो उनकी जिम्मेवारी है उसका निर्वाह 1% भी नहीं हो रहा। हमारा अनुरोध है सोशल मीडिया से और समाचार पत्र के जो इंचार्ज लोग हैं, ब्यूरो चीफ हैं, हमारे हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ बरनाहाल के हैं, कल सलूकनगर में 2 लोगों का निधन हो गया, एक संतोष नाम के लड़के का, एक महिला का डेंगू में। कल ही बरनाहाल में 3 लोगों का निधन हो गया, भदौलपुर पास के गांव में निधन हो गया। स्वास्थ्य विभाग से क्या मांग करते हैं आप? स्वास्थ्य विभाग से मांग करते हैं, स्वास्थ्य विभाग ये जो कोरोना आया था ये मुझे ऐसे लगता है कि ये कम से कम 3 गुनी और 4 गुने लोग ज्यादा निधन हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरा सरकार को संज्ञान दे। ये फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज, इटावा, इनमें जो भयावहता की स्थिति है उसकी तरफ सरकार से कहीं बाहर से चिकित्सक बुलवाए, दवाइयां मंगवाए दिल्ली वगैरह से, तो बढ़िया उपचार दे लोगों को। लोगों के घर में 7-7 लोग, ऊंचा में मैं गया था परसों, एक परिवार में जिसमें निधन हो गया, वीरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति कह रहे थे कि उनके परिवार के 7 लोग आगरा में भर्ती हैं। जमीन जो 4 बीघा है उसे बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, अपने बेटे को अपने भाई को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मेरा अनुरोध है कि आप इस सोशल मीडिया पर हमारी बात को पहुंचाएं और जिले का प्रशासन, प्रदेश की सरकार जागे, अपनी जिम्मेवारी जो उसकी है उसका सीधे से निर्वाह